नमस्कार दोस्तों, मैं ये टाटा योद्धा 2.2 BS6 डे इंजन है इसमें, और ये मैन्युफैक्चरिंग हुई है कमल क्रेन मैन्युफैक्चर अंबाला। ये कमल क्रेन इधर की मैन्युफैक्चरिंग हुई है। इसका इंजन आउटपुट है 73.6 kV हॉर्स पावर 100। मैक्सिमम इंजन टाइप है इसका फ्यूल टैंक है इसका 45 लीटर। फ्रंट ब्रेक इसकी हाइड्रोलिक और रियर ब्रेक ड्रम ब्रेक है इसमें। टायर साइज है इसका 16 नंबर। व्हील बेस है इसका 3150। इसका विड्थ है इसकी 1860 mm। लेंथ है इसकी 5350 mm। और इसका इंजन ऑयल कम से कम 20,000 किलोमीटर बाद इसका चेंज होता आता है। तो ये बेस्ट गाड़ी है हमारी कार टोइंग के लिए, जिससे हम टाटा योद्धा से हम फॉर्चूनर तक उठा सकते हैं। बस इसमें थोड़ा सा अल्ट्रेशन करना पड़ेगा हमें, इसकी कमानी में इसमें पट्टे डालने पड़ेंगे, फिर ये टाटा योद्धा ये जो क्रेन बनी है इसके ऊपर, इससे हम फॉर्चूनर इंडेवर कोई भी गाड़ी उठा के ले जा सकते हैं कहीं भी। जिसमें ये हमने 3 लीवर लगाए हैं, 3 लीवर में ऑपरेट हो रही है ये वाली गाड़ी। ये पहला लीवर ये ऊपर बूम ऊपर नीचे ऊपर करने के लिए जैक है। दूसरा लीवर है इसका ये सेफ कार टोइंग वाला पंजा, ठीक है। तीसरा लीवर ये विंच वायर रोप, जिससे ये आप इससे 50 फुट 100 फुट रोप एक्सटेंड करके इसमें कुछ भी निकाल सकते हैं, खड्डे में से निकालें, नीचे डाउन में वो निकालें, पलटी सीधी करें, 1 टन का वेट उठा के ले जा सकते हैं इसके साथ। तो कार टोइंग में सबसे बेस्ट गाड़ी है टाटा योद्धा, और इसमें हमने एक ये टोइंग हुक लगाया, इससे आप कुछ भी वजन खींच के ले जा सकते हैं सेफ एकदम। इसमें 2-4 ऑप्शन दिए हैं, 2 तो ये, इसमें आप कहीं इधर से भी खोल सकते हैं, इधर से भी खोल सकते हैं, दिखा रहे हैं आपको खोल के। ये आप चाहे लेफ्ट से चाहे राइट से कहीं भी खोल के इसको ऑपरेट कर सकते हैं। इसको ऊपर नीचे करना कर लो, इसको नहीं यूज़ तो इसको उठा के अंदर रख देंगे हम, अगर यूज़ में लाना है तो इसको लगा के हम जनरेटर टो कर सकते हैं, कोई ट्रॉली टो कर सकते हैं, कुछ भी टो कर सकते हैं। इसके बाद ये हमने ये दूजा सिस्टम दिया, दोनों साइड है ये लेफ्ट और राइट में, तो इससे हम कोई भी फिक्स टोचन डाल के कहीं भी ले जा सकते हैं, कितनी भी दूर लेके जाओ इसको कोई प्रॉब्लम नहीं, पावरफुल है ये, इसमें पूरी जान है इसमें। इसके बाद ये LED लाइट नए स्टाइल से लगाई है हमने, ये तीनों एक 3 लाइट लगी है, इसमें ब्रेक लाइट भी है सेंटर वाली, बीच में डिम चलेगी, ब्रेक लगाएंगे तो आउटर से बाहर से लाइट और जलेगी। इसमें जाली से इसको कवर किया हमने, और ये जो मेरे यहाँ पर कमल क्रेन के यहाँ पर जो बंजा बनता है ये सबसे सॉलिड है, ये कभी कम से कम 1 साल में तो घिसता ही नहीं है, 1-2 साल तक ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सिर्फ इसमें ग्रीस का ऑप्शन दिया इस साइड में, तो आपने ग्रीस करनी है सिर्फ, जब ग्रीस करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये हमारा प्लंजर है, आपने इसे कोई चौड़े टायर वाली गाड़ी उठानी है तो इसमें 3 होल हैं, एक होल एक तो यहाँ पर है, इसके बाद सेकंड थर्ड 3 होल हैं, 3 आपको कभी तीसरे होल में डालना ही नहीं पड़ेगा, एक साइड में एक ही होल को दूसरे इसको प्लंजर को खींच के दूसरे होल में लगाओगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो ये इससे ये भी है एक, इससे आप कोई आपने उल्टी नोवा उठानी हो इसमें भी 3 सुराख हैं, 3 होल इसमें भी हैं, आप कहीं उससे यूज कर सकते हो, उससे भी आपको उल्टी नोवा उठाना तो ये दूर हो जाएगा, तो आराम से ज़रा उल्टी नोवा उठा के दूर जाना, क्योंकि इसको खींच के बाहर करना पड़ेगा। ये मैं गाड़ी की लुक दिखा रहा हूँ आपको, इसमें कलर डिज़ाइन थोड़ा डिफरेंट है, मैं यहाँ ऑलमोस्ट हर गाड़ी में थोड़ा डिफरेंट करता रहता हूँ जिससे कि लुक अच्छा आए। मेरे को हमको शौक है मेरे को भाई मेरे इधर वर्कशॉप में जो गाड़ी बने सबसे बेस्ट हो, सबसे ज़्यादा लोड उठाए और सबसे अच्छी दिखनी चाहिए, जिसके पार्ट्स ही बिल्कुल बढ़िया हो,
कोई मेंटेनेंस ना आए। ये आपको दिखा रहा हूँ, ये इसमें सब लाइट्स लगी हैं, जो ये एलईडी लाइट है और इसमें जो ऊपर लगी है ये भी एलईडी है और चाइनीज नहीं है, सब ओरिजिनल लाइट है। ये देखो आप जला के दिखा रहे हैं आपको, बाहर की आउटलाइनिंग इसकी रेड है, बाकी ब्लू है। ये आधा किलोमीटर तक लाइट जाती है, अगर आप इसको रात को देखेंगे तो बहुत दूर तक लाइट जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद ये दो टूल बॉक्स लगे हैं इसमें, दो टूल बॉक्स, इसमें कुछ भी रखो आप, दोनों साइड ये टूल बॉक्स हैं, एक साइड ये, एक दूसरी साइड भी है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये दूसरी साइड भी है टूल बॉक्स, इसमें लॉक लगेंगे, चाबी अंदर है, ये देखो। इसके बाद ये हम हुक देते हैं, जो इसमें एक्सीडेंट गाड़ी लेके जाना हो तो उसके लिए ये बीच में हमारी हुक है, तो ये हुक इसके साथ यूज होगी। ये हमारा डीजल टैंक का ढक्कन है, बाकी आप देख रहे हैं कैसी लुक बनी है। इसके डिजाइनिंग सब डिफरेंट है थोड़े, इसमें हमने चेंजिंग किया थोड़ी गुलाई में, इसकी गुलाई थोड़ी अलग टाइप है। आगे मेरे देखोगे आप, पहले दूसरे टाइप होती है, किनारी होती है, ये किनारी नहीं, जैसे कार में टेपर दी होती है वैसे टाइप ही है। साइड में एलईडी लाइटें लगी हैं, तो इसमें रेडियम टेप लगाते हैं, आप रात को देखोगे ये गाड़ी दूर से बहुत चमकेगी। इसमें सब जगह हम लास्ट 3M की रेडियम टेप लगाते हैं, ये देखो इस साइड में, इस साइड में, इधर इस साइडों में, ये सब जगह रेडियम टेप लगी है, जिससे कि रात को चलने में परेशानी नहीं आनी चाहिए। इसके लिए हम स्पोर्टिंग प्लेट लगाते हैं, जिससे कि ये इस पर लोड ना पड़े और पाइप की लाइफ ज़्यादा बचे, बहुत ज़्यादा लाइफ बढ़ाने के लिए हम ये इसमें स्पोर्टिंग के लिए प्लेट लगा रहे हैं, और जो स्टाइलिश है, लुक अच्छी है। इसी कलर की कॉम्बिनेशन भी हम अलग अलग करते हैं, जिससे गाड़ी सुंदर दिखे। आप देख रहे हैं मेरी हर वीडियो आपको डिफरेंट नज़र आएगी, आपको कैसी लग रही है मेरे को बताना। इसमें 3 लीवर है, इसमें जैक नहीं लगा, तीसरे में चौथा लीवर भी लगता है, पर इसमें कोई जैक लगवाए तो लगाते हैं, तो इसका मैनुअल बूम है। ये मैनुअल 4 फुट निकलेगा, जिसमें ये खींचने के लिए एक हुक है, इसमें आप खींचोगे 10 इंची पर इसका होल है, 3 होल लगेंगे बाहर, तो आपका ये बाहर निकल जाएगा। कोई काम करना हो इससे, जैसे कोई चीज़ दूर डिफरेंट दूर लेके जानी हो, दूर करना हो, तो इससे हो जाएगा। ये आपको गाड़ी की दिखा रही हूँ, योद्धा 1700, ये नासिक जा रही है। ये आगे स्टाइलिश बम्पर लगा है, ये मालिक ने लगवाया तो हमने लगाया है, वैसे इसमें बम्पर लगाने की ज़रूरत नहीं होती, पर मेरे को बोला गया तो हमने लगाया, जिसका कि चार्ज अलग लगता है। योद्धा 1700 ये देखो, मैं आपको दूर से दिखा रहा हूँ पूरी गाड़ी को, ये देखो। अभी आपको इसको ऑपरेट करके दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये इसका स्टपनी है, यहाँ पर हम स्टपनी स्टैंड बनाते हैं, ये आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे हम। बोला उन्होंने हुक भी उतार दिया, इसकी तार के अंदर भी रख सकते हैं, साइड में भी लगा सकते हैं। इसका मैं आपको एक बार दिखाना चाह रहा था, ये खोल के इसमें ये ग्रीस निपल वाला होल है, इसमें आप करोगे तो पूरे इसमें ग्रीस ऑयल ग्रीस कुछ भी करो तो हो जाएगा इसमें, जिससे कि लुब्रिकेट रहेगी और घिसेगा नहीं। ये हमारा स्पेशल है, कभी वैसे भी नहीं घिसेगा ये। इसमें 5 होल हैं, आप कहीं भी लगा ला सकते हो, जैसा टायर का साइज होगा वैसे लगेगा, ठीक है। ये हमारा ऊपर नीचे होने का दूसरा लीवर, अप डाउन। इसमें बैटरी पावर बैक लगता है, इसमें पंप लगने की जगह नहीं है अभी, इसे हम नहीं लगाया। ये तीसरा लीवर है वायर रोप, विंच वायर रोप, विंच की स्पीड भी दिखा रहा हूँ आपको मैं, देखो कर। यहाँ पर आके हमारा लोग होता है, इसके आगे हमने आपको दिखाया था, अभी संगल दिया हमने। चलो
आप देख लो कि कमल केन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हुई है। दोस्तों मेरे को बताना कैसी लगी है, सब्सक्राइबर करना मेरे चैनल को, उसको देखना कैसी लगी है मेरे को बताना प्लीज़। अभी हम इसके ऑनर से मिलने जा रहे हैं जिनकी गाड़ी है ये। भाई साहब, ये गाड़ी के ऑनर एक ये वॉच दे रहे हैं इसको और ये साथ में। ये गाड़ी के ऑनर है। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? किशोर खैरे। किशोर खैरे, कहाँ से हो? नासिक जिला, महाराष्ट्र। नासिक जिला महाराष्ट्र से। तो नासिक से उन्होंने आए हैं भाई साहब, और भोले क्रेन सर्विस, भोला क्रेन सर्विस के नाम से इनकी जगह है। और ये गाड़ी बना के जा रहे हैं, देखो ये वाली, ये कमल क्रेन के इधर। कैसी लग रही है गाड़ी आपको? गाड़ी एकदम बढ़िया बनी, बढ़िया लग रही है। चलो, इसके सामान जो लगा कैसा लग रहा है आपको? नहीं, पूरा सामान क्वालिटी एकदम एक नंबर है। एक नंबर। डिजाइन कैसा लगा इसका जो बनाया? बढ़िया बढ़िया लगा। कॉम्बिनेशन कैसा लगा? कॉम्बिनेशन भी बढ़िया। बस इसमें आपने एक दो काम कराने हैं। इसमें कमानी के लोग अभी बोलते हैं भी वो आपकी गाड़ी दब रही नीचे, तो इसमें कमानी के पट्टे डालने आपने? बस वो तो हम हमारे इधर ही डालने वाले। हाँ, डालने, ठीक है। तो बढ़ाना ही पड़ेगा। गाड़ी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो। 1 से 10 बना हुआ अभी आप, और ठीक है। और ये हमारे साथ एक दोस्त, दूसरे भाई साहब भी हैं, ये जयपुर से आए हैं वैसे गाड़ी देने। ये 5वीं गाड़ी मेरे से बनवा रहे हैं, 5वीं गाड़ी आज छोड़ने आए हैं। क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार यादव। कृष्ण कुमार यादव, ये बोलेरो जीप पे बनवा रहे गाड़ी, तो आज मेरे पास छोड़ने आए हैं। कृष्ण कुमार यादव, जयपुर, यादव क्रेन सर्विस है जयपुर से। ये 5वीं गाड़ी बनानी आए हैं भाई साहब, तो ये लेने नहीं आते, ऑनर है ये। पर मैंने कहा आज वीडियो इनकी बना ले, बाद में पता नहीं आएंगे नहीं आएंगे, ड्राइवर आए कोई आए, तो इसीलिए वीडियो भी इसके साथ ही इनकी वीडियो भी बना रहा हूँ। तो कैसी लग रही है मेरी? आपने कितने साल से मेरे से गाड़ी बनवाई है? 2017 से सबसे पहले गाड़ी ली थी, 2017 से बोलेरो पिकअप। हाँ। फिर उसके बाद में 2018 में बोलेरो पिकअप लाए। हाँ। फिर 2019 में मैंने प्लेटफॉर्म लिया है। हाँ। प्लेटफॉर्म भी यहीं कमल क्रेन मैन्युफैक्चरर से बनवाया है। हाँ। वो भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स रहा, और अभी एक गाड़ी तो मेरी ऑलरेडी खड़ी है, और एक आज फिर मैं आपसे मिलने के लिए और गाड़ी छोड़ने के लिए दोनों। अब बहुत टाइम बाद मिलने आए, मेरी पुरानी वर्कशॉप में मिलने आए थे आप, तो आ जाए। नए वर्कशॉप के आपके इनोग्रेशन भी नहीं पहुंच पाए यहाँ। हाँ। इसलिए देख वर्कशॉप भी देख लेते हैं और सर से एक बार मुलाकात भी कर लेते हैं। कैसी लगी मेरी वर्कशॉप? बहुत बढ़िया। काम कैसा लग रहा है आपको? काम आपने जो इतने साल से गाड़ी बनाई है उसमें क्या मेंटेनेंस आया है मेरा कुछ गाड़ियों में? रियल नहीं, एक्चुअली मेंटेनेंस में तो कुछ ऐसा रहा नहीं, जैसे बस गाड़ी का मेंटेनेंस है जो डीजल डलाओ और चलाओ, क्रेन के पीछे कुछ नहीं देखने का भाई क्या है क्या नहीं है। तो आपको कोई, आपने मेरी गाड़ी के ऊपर कोई खर्चा तो नहीं करा कोई? नहीं सर, खर्चा तो आपकी गाड़ी, जब भी तो ये 5वीं गाड़ी लेके यहाँ पे आए हैं भाई, कुछ नो मेंटेनेंस गाड़ी लगी है हमें, और अभी तक कुछ ऐसा कंप्लेन नहीं आया, जैक वगैरह में कोई लीकेज वगैरह कुछ ऐसा नहीं हुआ। नहीं तो हमारे जयपुर में भी काफ़ी बनती हैं क्रेनें तो, लेकिन हमें यहाँ की मैनुफैक्चरिंग बहुत ही अच्छी लगी, इसलिए हम यहाँ पे गाड़ी डिलीवरी देने। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद, बहुत बहुत मेहरबानी आपको भी, नासिक वाले भाई साहब आपको भी धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक है आपको गाड़ी की। ठीक है दोस्तों, ये हमारे दो ओनर खड़े हैं आज गाड़ियाँ लेने वाले, और एक ये जयपुर से और एक नासिक से। तो मैंने कहा कॉम्बिनेशन वीडियो बनाते हैं आज, कोई बात नहीं, ये तो कभी कभी आएंगे, वो तो गाड़ी लेके जा रहे हैं, पता नहीं अगली गाड़ी कब लाएंगे नहीं लाएंगे, ये अब गाड़ी लाए ये तो बहुत कम आते हैं, इसीलिए मैंने आज इनकी वीडियो बनाई है, ये पकड़ में आ गए मेरे पास। चलो ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मेरे दोस्तों, ओके बाय।